नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि बरसात शुरू हो गई है और आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उन लोगों के लिए जो टेरिस पे गार्डनिंग करते हैं कि टेरिस पे गार्डनिंग करते समय हम क्या क्या सावधानियाँ रखें, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है ना कि टेरिस में सीलन आ जाती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो टेरिस में गार्डनिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज का वीडियो मेरा उसी पे ही है। तो सबसे पहले तो अगर हम हो सके तो स्टैंड बना लें। जैसे यहाँ हमारा स्टैंड है ये लोहे का, और अगर आप नहीं बना सकते तो कुछ जुगाड़ करके कर सकते हैं। जैसे कारपेंटर जो लोग फर्नीचर बनाते हैं ना, वहाँ लकड़ी के काफ़ी फट्टे मिल जाते हैं, तो उनके नीचे ईंट रख कर आप स्टैंड बना सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो ऐसे कोशिश करें कि जो हम पॉट रख रहे हैं नीचे, मतलब उनके नीचे हम ट्रे रखें, ट्रे में पॉट को रखें, इस तरह से ट्रे लाएं और ट्रे में पॉट रखें। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि इनमें जैसे ड्रेनेज होल है इन पॉट्स में, लेकिन थोड़ा वो हो सकता है कि जम गया हो, कहीं पे मिट्टी बहुत ज़्यादा वो हो गई होगी। तो देख रहे होंगे आप ट्रे में पानी काफ़ी जमा हो गया है, दिख रहा होगा ना। इस तरह से मेरे और कोई पौधे भी ख़राब हुए हैं, आगे मैं आपको बताऊँगी। तो ड्रेनेज जो इनका सिस्टम होता है, ड्रेनेज होल को चेक करते रहें और किसी लकड़ी की सहायता से या तार की सहायता से इसे हटाते रहें। मेरा अभी आगे एक पॉट में आपको दिखाऊंगी कि मेरा इस तरह से दो तीन प्लांट ख़राब हो गए। मैंने मतलब उनमें होल तो किया हुआ था पॉट में, लेकिन मैं देखना भूल गई। मैंने बाद में ध्यान दिया तो जो उसके वो होते हैं ट्रे होती है, उनमें बहुत पानी जमा हो रखा था, बहुत ज़्यादा पानी जमा हो रखा था। मैं दिखा देती हूँ आपको, वो मेरे ये पॉट हैं, इसमें देखो ये प्लांट ख़राब हो गए बारिश से। अब थोड़ा ठीक हो रहे, तो मैंने यहाँ इसको मैंने ट्रे के नीचे ही रखा था, ट्रे में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया। इस मैंने देखा कि मतलब मैंने होल तो किया हुआ है, लेकिन इस तरह से इसमें पानी कैसे रह गया, पौधा कैसे ख़राब हो रहा। फिर मैंने यहाँ पे इसको इसके नीचे ढक्कन रखा हुआ है, और यहाँ पे देख रहे होंगे आप ये ढक्कन रखा हुआ है और इस पर इसको ऐसे स्टैंड करा हुआ है ताकि मतलब पौधा ख़राब ना हो। अब थोड़ा इसकी कंडीशन सही हो गई है। तो अगर आप यहाँ देखो इन, अब ये क्या है कि ये वाले जो पॉट हैं, अभी ट्रे तो हो गई है छोटी और पॉट हो गए हैं बड़े, तो इस तरह से ये ना इनमें पानी भर जा रहा है और पानी इनमें रह जा रहा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और इनसे हमें पानी हटाते रहना है इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से हमारे प्लांट गल जाते हैं और जो हमारी छत होती है वहाँ पे भी पानी काफ़ी स्टोर रहता है, तो काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरह से ध्यान रखें अपने, मतलब जो अगर आपने ट्रे भी रखी हुई है पॉट के नीचे, उन्हें चेक करते रहें कि कहीं ट्रे में पानी तो नहीं भर गया। जैसे मेरी ट्रे में इतना ज़्यादा पानी भर गया है, सब में भर रखा है पानी, इनमें भी भरा हुआ है, मैं देखती रहती हूँ। लेकिन आज सुबह से ही बारिश हो रही है ना, तो इसलिए मैं आई नहीं हूँ, इसमें भी भरा हुआ है पानी सारा। तो इस तरह हमें चेक करते रहना है, हटाते रहना है। अगर हम स्टैंड नहीं बना सकते हैं तो ट्रे रख सकते हैं अपने पॉट के नीचे, ताकि मतलब जो हमारी छत है उसमें सिलन ना आए और हमारी छत ख़राब ना हो। और इसी तरह इस वाले में भी भर गया है यहाँ, ये देखो इस तरह से, देखो इस ट्रे में भी पानी फुल भरा हुआ है। तो इस तरह से हमें चेक करते रहना है ताकि हमारा टेरिस, मतलब हम गार्डनिंग भी करते रहें अच्छे से और हमारा टेरिस भी ख़राब ना हो। तो इस तरह से हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। और जो कारपेंटर की दुकान में वो लकड़ी के फट्टे, तो हमें बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते दामों में उनके हम बना सकते हैं स्टैंड, ऐसे मतलब जुगाड़ू स्टैंड बना सकते हैं, अच्छे चलते हैं वो भी, काफ़ी ख़राब नहीं होते। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जो अगर हम टेरिस में गार्डनिंग कर रहे हैं। और कोशिश करें कि जब टेरिस में गार्डनिंग करते हैं तो जैसे ग्रो बैग होते हैं और ये थर्माकोल सीट के होते हैं ना, अगर हम उनमें लगाएं
तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि टेरिस में इतना ज़्यादा वेट नहीं पड़ेगा, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे हम वेजिटेबल वगैरह लगाते हैं तो उनके लिए ग्रो बैग यूज़ करें, या बड़े बड़े पौधे लगाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग फलों के पौधे लगाते हैं तो उनके लिए ग्रो बैग या थर्माकोल सीट वाले आते हैं, वो उनको यूज़ करें तो टेरिस में ज़्यादा वेट नहीं पड़ता। इस मतलब इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आपके मतलब पॉट इतने ज़्यादा नहीं हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा पॉट को इधर उधर भी हिलाते रहें, ऐसे चेक कर लें। और जैसे मतलब यहाँ ऐसे मतलब जहाँ हमने पॉट रखे रहते हैं वहाँ पे काफ़ी फूल पत्तियाँ सूखे काफ़ी झड़ जाते हैं ना, तो सफाई करते रहें, सफाई का खास ध्यान रखें, झाड़ू लगा के साफ़ करते रहें। जैसे मेरा वहाँ पे वो आलमंडा का पेड़ है तो वहाँ पे इतने फूल गिरते हैं, इतने फूल गिरते हैं, वहीं चिपक जाते हैं, उनको तो हटाना मुश्किल हो जाता है बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत फूल खिलते हैं रोज़, तो इस गुड़हल के और उस आलमंडा के बहुत फूल झड़ते हैं और इतने ज़्यादा गिर जाते हैं। टेरिस पे होते तो बहुत मुश्किल होता, रोज़ रोज़ इतनी ज़्यादा सफाई तो खैर होती है लेकिन रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता, क्योंकि टेरिस में होता है ना सिलन की दिक्कत आ जाती है, कई प्रॉब्लम्स हो जाती है टेरिस में गार्डनिंग करते हैं तो कई दिक्कत होती है, तो ऐसे काफ़ी लोगों के साथ होता होगा टेरिस में गार्डनिंग करते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना हम, जब हम टेरिस में गार्डनिंग करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, और बरसात में तो खासकर, क्योंकि बरसात में सीलन वगैरह की दिक्कत होती है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें आप, और चेक करते रहें अपने पॉट का ड्रेनेज सिस्टम, चेक करते रहें कि ड्रेनेज सिस्टम सही है या नहीं है, बस इन बातों का ध्यान रखें और गार्डनिंग करते रहें। और हमारे आसपास के खेतों में आपको दिख रहा होगा कि धान लग गए हैं, धान की रोपाई हो गई है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो रोपाई लग गई है सबकी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे तो आजकल जो मतलब छत होते हैं ना, छत में करने के लिए परमानेंट पेंट भी आ गए हैं जिनसे सीलन वगैरह की दिक्कत नहीं होती, सब लोग करवाते हैं ऐसे परमानेंट पेंट, तो वो भी करवा सकते हैं। लेकिन जो नहीं करवा सकते या मतलब बार बार हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उसको तो मतलब मेंटेन रखना पड़ता है ना, करवाते रहना पड़ता है, तो इसलिए हम कुछ इस इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने टेरेस, जो हम टेरेस में गार्डनिंग करते हैं, उस जो हमारे कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इन बातों से हम बच सकते हैं। तो इस तरह अपने पॉट में ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखें, ड्रेनेज होल का ध्यान रखें। मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि मेरे भी इन पॉट्स में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे भी इसको किसी लकड़ी की सहायता से या तार की सहायता से इनके जो मैंने वो होल होंगे उनको चेक करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे इस ट्रे में पानी जमा ना हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उससे हो रहा है ये सब। तो दोस्तों मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर ही दिए हैं, तो उम्मीद है आपको सही लगी होंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।